हेलो जी फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल तो कैसे आप सब लोग उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक ठाक और हैलीयत से होंगे तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और हैलियत से हूँ और जी वेलकम बैक टू अनदर कुकिंग वीडियो और बहुत ही अर्से के बाद एक कुकिंग वीडियो लेकर आई हूँ तो आप लोग जल्दी जल्दी से इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें सो विदाउट एनी फरदर डू लाइट्स गेट बिग तो जी गाइज आज मैं आप लोग को बनाना सिखाऊंगी कॉफ़ी ठीक है तो वैसे तो काफ़ी सारे लोगों को पता होगा लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि कॉफ़ी कैसे बनाते हैं तो जी ये मेरी वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए ठीक है तो सबसे पहले हम लोगों ने एक पैन में ले लेना है थोड़ा सा दूध ठीक है उसके बाद हम दूध को रख देंगे बॉयल होने के लिए ठीक है और मैं यहाँ पर जो कॉफ़ी बना रही हूँ वो है नेस्कैफ़े की कॉफ़ी ठीक है आप लोग कोई भी कॉफ़ी बना सकते हैं ठीक है मतलब कोई भी यूज़ कर सकते हैं ब्रांड तो उसके बाद जी यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं ये नेस्कैफे का पैकेज ठीक है और मतलब जो पाउडर होगा ना कॉफ़ी पाउडर वो हम निकाल लेंगे ठीक है एक मग मग में निकाल लें ग्लास में निकाल लें कहीं पर भी निकाल लें ठीक है तो जी आ, इसी तरह ये हमने पूरा आ, आप लोगों को देख लें अपनी कंसिस्टेंसी ठीक है और मतलब आप लोगों ने ना दो मग बनाने तीन बनाने हैं जिस तरह से भी बनाने हैं उस हिसाब से ठीक है यहाँ पर जी ये हमारी उसके बाद हमने डाल दी इसमें चीनी ठीक है शुगर और चीनी मैं इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डाल रही हूँ ठीक है मतलब आ, आप कह सकते हैं वन एंड हाफ़ टेबल स्पून ठीक है तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं या फिर थ्री टीस्पून ठीक है तीन टीस्पून या फिर वन एंड हाफ टेबल स्पून तो so, हमने जो है जी पाउडर में शुगर मिक्स कर दी और अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्सअप किया और यहाँ पर हमारा दूध भी जो है ऑलमोस्ट बॉयल हो चुका है ठीक है तो अभी हमने जी क्या करना है कि हमने जो है ना पहले दूध को अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है और फिर उसके बाद थोड़ा सा दूध जो है ना हमने जो हमने पाउडर और शुगर मिक्स किया हुआ था उसमें डाल देना ताकि जो है ना हमारा पेस्ट अच्छी तरह से बन जाए ठीक है दूध याद रखें गर्म ही डालना है ठंडा दूध नहीं डालना ठीक है, है और ये गर्म मतलब इतना गर्म ना हो गुनगुना सा दूध हो तो वो हमने डाल दिया ठीक है उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स अप करेंगे एंड uh, जो है जी ये आप लोग देख सकते हैं ठीक है थीके? ताकि हमारा जो है ना पेस्ट अच्छी तरह से बन जाए तो इसी तरह मिक्स करने के बाद ये आप लोग देख सकते हैं हमारा पेस्ट हो चुका है रेडी इसको हम दूसरे कप में ट्रांसफ़र कर लेते हैं ठीक है थीके? और ये आप कंसिस्टेंसी भी चेक कर सकते हैं और साथ में थोड़ा सा गंद फैल गया उसको इग्नोर मारें तो जी ये हमारा पेस्ट हो गया डन ये ठीक है और अभी कंसिस्टेंसी भी आप देख लें ठीक है अभी मैंने जो है जी दो मग में बनाना है तो हम हाफ हाफ ट्रांसफ़र कर लेंगे ठीक है या फिर ये हो गया हमारा ट्रांसफ़र ठीक है सॉरी हाफ हाफ नहीं हमने फुल ट्रांसफ़र कर दिया मतलब पहले हम सिर्फ एक मग में बनाएंगे फिर दूसरे मग के लिए हम अलग से बना सकते हैं ठीक है आ, वैसे आप लोग चाहे तो एक साथ भी बना सकते हैं उसके बाद जी हमने ऐड कर देना है इसमें बॉयल्ड मिल्क ठीक है जो हमने दूध उबाला हुआ था वो हमने डाल देना है और अभी आप लोग देखें जी आ, कलर बिल्कुल भी नहीं आया इसलिए हम इसको जो है फिर से मिक्स करेंगे एंड यू गाइज विल सी द कलर ये तो ये मैं आपको लो लोग दिखाती हूँ जी अभी मिक्स हो जाएगा और कलर बहुत ही खूबसूरत से आ जाएगा कॉफ़ी भी ठीक है और अगर आप लोगों ने थोड़ा सा पेस्ट बचा के रखा हुआ था तो वो भी आप इसमें डाल दें ठीक है उससे भी कलर और ज़्यादा अच्छा आएगा और ऊपर आप जो है ना उसकी थोड़ी सी डेकोरेशन भी कर सकते हैं ठीक है जी तो आ, यही थी मेरी आज की वीडियो होप कि आप लोग को पसंद आई होगी और कॉफ़ी किस किस को पसंद है मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 बताइएगा मुझे तो वैसे नहीं पसंद ठीक है मुझे जो है ना अपनी चाय ही बहुत ज़्यादा पसंद है तो जी बस आज के लिए इतना ही उसके बाद हमने थोड़ा सा पाउडर भी स्प्रिंक कर लिया थोड़ी सी जो है ना उसकी डेकोरेशन के लिए ठीक है तो चलें जी मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बाय बाय